ये कहानी है एक लड़की की जिसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन वह और उसके स्कूल के 6 बच्चे एक मिस्टीरियस टाइम लूप में फंस जाते हैं और वहाँ एक खूनखार राक्षस उन्हें हर बार मार दे रहा था। जब तक वो इस लूप की मिस्ट्री का पता नहीं लगाएंगे तब तक ये टाइम लूप चलता रहेगा। तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे एंड आखिर इस मिस्टीरियस टाइम लूप के पीछे है कौन? इस फिल्म का नाम है रिमेंबर एंड इस कहानी के एंड में एक बहुत ही बड़ा राज खुलता है, इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें आधी रात को जंगल में एक लड़की भागती हुई दिखाई जाती है। उसके हाथ में एक डॉल थी और वह ऐसे भाग रही थी मानो उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। वो सामने की हवेली में घुसकर ऊपर वाले फ्लोर के कमरे में टेबल के पीछे जाकर छिप जाती है। उसने अपनी सांसें थाम ली थी ताकि उसकी तरफ आते हुए शख्स को उसकी आवाज़ सुनाई ना दे, लेकिन तभी खिड़की से जोर हवा का झोंका आता है और कोई बड़ी अनजान चीज उस लड़की को खत्म कर देती है। वहां पर हमें इस बारे में पूरी बात बताई नहीं जाती एंड कहानी यहाँ से सीधा प्रेजेंट में आ जाती है। सुबह के अलार्म से असुका की नींद खुलती है। वो जल्दी से तैयार होकर मदर का बनाया ब्रेकफास्ट खाने के बाद स्कूल के लिए निकल जाती है। मदर ने लंच के लिए भी खाना पैक किया था ताकि वो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके खा सके। फिर वो स्कूल के रास्ते आने लगती है। स्कूल वाले रास्ते में हम क्लास के कई सारे बच्चों को देखते हैं। दो लड़के क्योटो और उसका साथी आने वाली खूबसूरत लड़कियों को देख रहे थे, पर क्योटो से उसका दोस्त कहता है वो हमारी लीग से बाहर की है तो उन्हें देखना बंद करो। तभी पीछे से असुका को आता देख वो कहता है तुम उसे देख सकते हो, जिस पे क्योटो कहता है इसका तो कोई दोस्ती नहीं है और सारी लड़कियां इसे इग्नोर करती है, इसे दोस्ती कौन करेगा भला। वह जल्दबाजी में वो लोग असुका का बैग गिराकर बिना माफी मांगे चले जाते हैं। इसके बाद असुका सामने कैट को देखती है एंड तभी रियुमिको नाम की लड़की को उसका एडल्ट बॉयफ्रेंड बाइक से स्कूल ड्रॉप कर देता है। वहां फिर अचानक एक बस से एक कैट का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद असुका स्कूल के अंदर अपनी चीजें लॉकर में रख रही थी तभी पास में खड़े ताकाहिरो की जेब से एक सामान नीचे गिर जाता है। असुका इसे उठाकर ताकाहिरो को देने वाली थी कि तभी दूसरी लड़की उससे पहले ही उठाकर ताकाहिरो को दे देती है। हमें पता चलता है वो इस क्लास में सभी लड़कियों का क्रश है इंक्लूडिंग असुका। अब क्लास में हम देखते हैं बच्चों से स्कूल फेस्टिवल के लिए जो पैसे कलेक्ट किए गए थे वो अचानक गायब हो चुके हैं और सारे बच्चे क्लास का जो कमजोर स्टूडेंट था उसी पर इसका इल्जाम लगा देते हैं। शो तो बहुत मना करता है लेकिन पैसे उसके पास से ही मिलते हैं। किसी तरह कुछ दिन में मामला शांत होता है और फिर क्लासेस के बाद लंच के वक्त असुका अकेले में बाहर आकर टिफिन खा रही थी क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वह खाना खाते हुए उसे सामने की वेल में से कुछ हाथ निकलते हुए देखते हैं। ये देख वो एकदम डर गई थी। तभी वर्कर्स वहां पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं हम यहाँ काम करेंगे तो तुम कहीं और चली जाओ। असुका मुड़कर देखती है तो वह हाथ गायब हो चुके थे। जाने से पहले वो वेल के अंदर देखती है लेकिन वहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। फिर वो वहां से दूसरी तरफ जा रही थी जब बीच रास्ते में उसे टीचर जमीन के अंदर कुछ दफनाते हुए देखते हैं। असुका को देख वो तुरंत वहां से चले जाते हैं एंड तभी असुका के पीछे वही शुरुआत वाली लड़की की आत्मा आकर कह रही थी प्लीज मेरे शरीर को ढूंढो। असुका के पीछे मुड़ते ही वो लड़की गायब हो जाती है एंड उसे समझ नहीं आता कि आवाज आखिर किसकी थी। अब स्पोर्ट्स क्लास में हम देखते हैं दो लड़के आपस में बात कर रही थी कैसे ताकाहिरो एक स्पोर्ट्स चैंपियन है एंड बास्केटबॉल चैंपियन होने की वजह से उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन भी मिल रहा था, वो भी आसानी से। जिसपे दूसरा बंदा पूछता है तब वो हमारे जैसे स्कूल में क्यों आ गया, जिसपे पहला वाला बंदा बताता है क्योंकि ताकाहिरो का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद डॉक्टर ने उसे बास्केटबॉल खेलने से मना कर दिया और तब से वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता। दूसरी तरफ हमें रियुमिको दिखाई जाती है जो बाकी लड़कियों के साथ थी। उसकी सभी के बीच बहुत इज्जत थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक क्लब चलाता है और स्कूल में ही होने के बावजूद उसने इतना केयरिंग एडल्ट बॉयफ्रेंड बना लिया, ये देख सभी हैरान थे। इसके कुछ देर बाद रात हो जाती है और असुका अपने घर पर थी। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो देखती है क्या तुम्हें पता है लाल रंग को लाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खून से बना होता है। अब आधी रात को ऐसा मैसेज देख कौन ही रिप्लाई करेगा। वो तुरंत फोन बंद कर देती है लेकिन मैसेजेस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फोन पर मैसेजेस इतनी ज्यादा तेजी से आ रहे थे कि फोन तेजी से आगे बढ़ने लगता है एंड तभी असुका अपने घर से सीधा स्कूल में टेलीपोर्ट हो जाती है। वहां पर वो अकेली नहीं थी और उसके साथ स्कूल के 5 और बच्चे थे यानी कि कुल 6 लोग। असुका हमारी फीमेल लीड, ताकाहिरो क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की, रुमिको क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की, शोतो क्लास का सबसे कमजोर लड़का और 5वां था आतुशी जो स्कूल कई महीनों से नहीं आ रहा। वो लोग आपस में बात करते हैं। आतुशी वहीं सब देख एकदम बेफिक्र था। वहां वो लोग एक दूसरे को देख एकदम हैरान थे और सभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गए। उन सभी के डिस्कशन से एक निष्कर्ष निकलता है कि उन सभी ने यहाँ आने से पहले एक लड़की को देखा था। आतुशी वहीं ये सब देख एकदम बेफिक्र था। वो बिना बात किए ही वापस अपने घर आने लगता है। उसे जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी कि वो यहाँ अचानक टेलीपोर्ट कैसे हो गया।
लेकिन स्कूल के ग्राउंड में अचानक कोई चीज आकर उसे मार देती है। वो लोग चारों उसकी चीख सुन भागते हुए वहां पर आते हैं, उसकी लाश को देखते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं उनमें से एक और लड़की सामने मारी गई थी। इस लड़की का नाम था री और ये इनमें से छठी थी। अब वो लोग सीरियस होकर स्कूल की मेन बिल्डिंग में आ जाते हैं। दो ग्रुप्स में वो डिवाइड हो गए थे, एक में यासुका और ताका हीरो और दूसरे में थी रिमिको और शोतो। पहले शोतो को वो चीज़ अचानक एक दर्दनाक मौत देती है और फिर रिमिको को। ये देख ताका हीरो बहुत ज़्यादा डर गया था। ये देख ताका हीरो आसुका का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर ऊपर वाले फ्लोर में आ जाता है। मेडिकल रूम के अंदर आकर वासुका को बेड के नीचे छिपा कर खुद दरवाजे पे खड़ा उस मॉन्स्टर को अंदर आने से रोक रहा था, लेकिन वो राक्षस उसे भी जान से मार देता है। ये देख आसुका हद से ज़्यादा डर गई थी। वो पक्का मन में सोच रही होगी मैं तो लीड कैरेक्टर हूँ, मुझे थोड़ी ना कोई मार सकता है। लेकिन तभी वो राक्षस आसुका को भी एक बहुत बुरी मौत देता है। हम यह इतना समझ पा रहे थे कि वो राक्षस वही डॉल है, बस एक बहुत ही बड़े साइज में, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में उस बच्ची के हाथों में देखा था। आसुका के मरते ही उसकी नींद अपने रूम में दोबारा खुलती है। वो नीचे आती है तो मदर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करी थी। वो उनसे कहती है आज मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। फिर वो अपने स्कूल आ जाती है एंड सुनो शी रियलाइज कल रात वाली घटना कोई सपना नहीं था, बल्कि सुबह तो कभी हुई नहीं, ये वही सेम दिन चल रहा है। उसे सामने वही कैट नजर आती है और बस से होता है एक्सीडेंट भी, एंड उसके अलावा बाकी पांचों को भी कल रात का वह सब कुछ याद था। शोतो ने इस बारे में सब कुछ सर्च भी कर लिया था और वो ने बताता है कल रात जो कुछ हुआ वही गेम की तरह है, जब तक हम दिए गए टास्क को पूरा नहीं कर लेते तब तक नया दिन शुरू नहीं होगा। दिया गया टास्क है एक बॉडी के सारे टुकड़ों को ढूंढना जो स्कूल में हर तरफ फैले हुए हैं। हर दिन रात को 12 बजे ये गेम रीस्टार्ट होगा और हमें अपनी जान बचाते हुए ये पार्ट्स ढूंढने हैं और उस रेड पर्सन से बचने हैं। उन रेड पर्सन से उनका मतलब था वही डॉल और उसकी ओनर वो बच्ची। उन्हें बात करते हुए एक टीचर सुन लेते हैं और तुरंत वो जाकर छिप जाते हैं। उनमें से किसी को नहीं पता था कि आखिर वही 6 लोग इसमें क्यों फंसे हैं। रात होने से पहले रिमी को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जहाँ उसे ये जानकर शौक लगता है कि वो उसे चीट कर रहे हैं। फिर रात के 12 बजते ही वो स्कूल चैपल में दोबारा आ जाते हैं एंड एक कॉफिन वहाँ पर रखा हुआ था जिसके अंदर उन्हें बॉडी के पार्ट्स को ढूंढ कर वहाँ रखना है। वो लोग एक एक कर अलग हो जाते हैं सिवाय आतुशी के जो इन सब पे यकीन नहीं कर पा रहा था। आसुका 8 रूम में आकर अंधेरे में बॉडी पार्ट्स ढूंढ रही थी, तभी पीछे से ताका हीरो आकर उसे कहता है डरो मत और फिर वो लाइट्स ऑन कर देता है, जिस पर आसुका कहती है वो मॉन्स्टर अब यहाँ पे जल्दी आ जाएगा, जिस पर ताका हीरो कहता है वो वैसे भी आएगा तो डरना बंद करो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों ढूंढने लगते हैं लेकिन पूरे 8 रूम में छानबीन करने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी वहां से जाने से पहले आसुका कहती है हमने बैक रूम को तो देखा ही नहीं, फंदा जाकर देखते हैं तो एक एक्वेरियम में एक हाथ रखा हुआ था। ये लेकर यानी कि पहला बॉडी पार्ट ये है, ये लेकर जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे तभी वो चीज़ वह उन पर हमला कर देती है। ताका हीरो से लड़ता है और आसुका भाग निकलती है। ताका हीरो को ख़त्म करने के बाद वो चीज़ शोतो को भी ख़त्म कर देती है जो एक लॉकर में छिपने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद उसे आसुका दिख जाती है और वो मॉन्स्टर आसुका के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। लेकिन किसी तरह बाकी दोनों लड़कियां आसुका को शटर के अंदर से खींच लेती हैं एंड मॉन्स्टर पीछे रह जाता है। शटर के दूसरी तरफ आती वो गहरी सांस लेती है लेकिन तभी मॉन्स्टर उनमें से एक लड़की को शटर से अपनी तरफ खींचकर खत्म कर देता है। आसुका ये देख बिना आगे पीछे देखे भागते हुए सीधा चैपल तक आ जाती है और कॉफिन में पहला बॉडी पार्ट उस हैंड को रखती है और तभी दिन दोबारा से शुरू हो जाता है। अब तक सारे पार्ट्स नहीं मिले थे इसलिए नया दिन नहीं आया, पर पहले पार्ट का मिलना भी इस काम को लेकर उनकी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। इसे सारे दोस्त आसुका की तारीफ करते हैं एंड अब एक लोनली गर्ल से वो सभी की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। अब अगले दिन वो लोग डिस्कशन कर रहे थे कि 30 साल पहले स्कूल में एक लड़की का मर्डर हुआ था, उस लड़की की बॉडी को डिसम्बर्ड कर दिया गया था एंड बाकी पार्ट्स तो मिल गए लेकिन सिर कभी नहीं मिला एंड यहाँ वो लोग शायद उसी लड़की की बॉडी ढूंढ रहे थे। उस लड़की का नाम था मीको उनायामा। उसका फेस देख आसुका अचानक डर जाती है क्योंकि उसे फेस में एक डिस्टॉर्शन दिखता है लेकिन उसके अलावा किसी को भी ऐसा कुछ नहीं दिखता। फिर वो लोग मैप निकाल कर स्कूल के एरिया ड्रॉ करते हैं और हर एक जगह मार्क करते हैं जहाँ के कर उन्हें जाना है बॉडी पार्ट्स को ढूंढने। धीरे धीरे हर एक रात के घुसते ही वो लोग इसमें प्रो हो गए थे। ये गेम की तरह था जब रात होते ही कुछ लोगों को मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करना है और बाकियों को बचकर पहले बॉडी पार्ट ढूंढना है, फिर एक दूसरे को पास पास करके चैपल में बॉडी पार्ट रखना है। इसमें बाकी 5 मेंबर्स मर भी जाएं लेकिन आखिरी वाले को काम पूरा करना होगा एंड कई दिनों तक हर रोज वो ऐसा ही कर रहे थे। अब वो मॉन्स्टर से डर नहीं रहे थे बल्कि मजे में गेम खेल रहे थे क्योंकि मरने के बाद कल रीस्टार्ट तो होना ही है। इस बीच आसुका एक बात नोटिस करती है, जब भी वो लोग ये सारी बातें डिस्कस करते हैं
तब टीचर हमेशा उनके आसपास उन्हें सुनते रहते हैं। उसे वहां पर शक होता है। किस दिन की रीस्टार्ट होता ही सभी लोगों की मेमोरीज चली जाती हैं, सिवाय उन 6 लोगों की। पर उन 6 के अलावा एक और पर्सन है जिनकी मेमोरी नहीं जाती, और वो है टीचर। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उनके बीच की बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो रही थी। वो लोग साथ में बीच के पास जाकर बहुत मजे करते हैं। वहाँ सुखा और ताकाहिरो आपस में एक इमोशनल मोमेंट भी शेयर करते हैं। जैसे इन 6 लोगों में वो दोनों खासकर ऐसे थे जिनकी लाइफ इसके पहले बिल्कुल अकेली थी। दरअसल ताकाहिरो अपने बास्केटबॉल ड्रीम को पूरा नहीं कर पाया था, और आसुका जिसे दोस्त बनाना बहुत पसंद थे उससे कभी भी कोई दोस्त नहीं बने, क्योंकि बचपन में एक बार वो बहुत बीमार थी तो वो स्विमिंग क्लब के लिए नहीं आ सकी। तब उसके दोस्तों के बीच एक रीमर फैल गई कि आसुका जानबूझकर नहीं आई। तब से बाकी बच्चे उसे हमेशा के लिए इग्नोर करने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था आसुका उन्हें इग्नोर करती है, और उसकी पूरी स्कूल लाइफ इसी वजह से एकदम अकेली भी थी। एंड बचपन में किसी भी दोस्त का नहीं होना उसे हमेशा अकेलापन फील करवाता था, लेकिन उसने धीरे धीरे ऐसे रहना सीख लिया था, ये सोचकर कि बड़े होने के बाद शायद उसके दोस्त बन जाएंगे। ताकाहिरो वहाँ से कहता है, मैं हमेशा अपनी परेशानी को देखता आया था, पर तुमने जो कुछ फेस किया है। ताकाहिरो वहाँ पर उसे कहता है, तुमने इतना कुछ फेस किया है मैं सोच भी नहीं सकता। अब इसके बाद वो लोग बॉडी के सिर को ढूंढने एक दूसरी जगह जाते हैं। ये जगह के बारे में उन्हें इंटरनेट से पता चला था, ये पुरानी हवेली थी। अंदर ढूंढने पर उन्हें उस रेड पर्सन यानी उसी लड़की के बारे में पता चलता है। उस लड़की का नाम था मीको, एंड वो इसी घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। उसकी एक डॉल थी एमिली, वहाँ उन्हें पूरी फैमिली की एक पिक्चर भी दिखती है। एंड वहाँ पर उन्हें समझ आता है ये लड़की ही स्कूल में अपने मर्डर का बदला ले रही है। फिर उन्हें वहाँ पर एक दरवाज़ा मिलता है, वो बंद था। वो लोग उसे तोड़ देते हैं, और अंदर वही डॉल एमिली थी, उस पर खून लगा हुआ था। वो लोग सोचते हैं ये खून कहीं उसी दिन का तो नहीं जब ये सब कुछ सालों पहले हुआ था। पर तभी एक आवाज़ और हवा का झोंका आता है, वो लोग मुड़ते हैं, और अगले सीन में वो डॉल एमिली गायब हो जाती है। ये देख उन सब की हालत ख़राब हो गई थी, और तुरंत वो लोग भाग कर बाहर आ जाते हैं। यहाँ से वो लोग चैपल आ जाते हैं, लेकिन अब तक वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बॉडी का सिर वाला हिस्सा कहाँ पर होगा, क्योंकि उन्हें बाकी के पार्ट्स मिल गए थे। तभी उनमें से एक सभी को एक बात पर गौर करवाता है कि मॉन्स्टर यानी वो डॉल अब तक चैपल पर हमला करने क्यों नहीं आई। और बंदे की बोलने की देरी नहीं थी कि अगली पल मॉन्स्टर सच में उन पर वहीं पर हमला कर देता है। एक एक कर सभी मारे जाते हैं, पर मॉन्स्टर वहाँ पर री को मारने की जगह उसे खा लेते हैं, और अगले दिन सबके सब वापस आ गए थे सिवाय री के, यानी जिसे मॉन्स्टर ने खा लिया वो वापस जिंदा नहीं बच पाएगा। इससे बेहतर है कि मॉन्स्टर उसे मार दे। अब ये जानकर उन सब की हालत खराब हो गई थी। उनके लिए डर बढ़ रहा था, क्योंकि मॉन्स्टर ने अगर सबको एक एक कर खा लिया तो वो दोबारा कभी भी जिंदा नहीं हो पाएंगे। उनके पास अब बहुत कम समय बचा था, पर बॉडी पार्ट भी सिर्फ एक ही ढूंढना था, हेड यानी कि सर। पर पूरे स्कूल कैंपस में हेड उन्हें कहीं नहीं मिलता। आसुका सारे दरवाजे बंद होता देख टीचर से जाकर मिलती है, क्योंकि उसे शक था वो जरूर कुछ तो जानते हैं। टीचर उसे काफ़ी पूछने पर बता देते हैं कि सालों पहले वो भी इसी गेम का एक हिस्सा थे। वो बताते हैं इस गेम के बाद सभी की मेमोरी चली जाएगी। इस गेम में उनकी पार्टनर थी उनकी गर्लफ्रेंड, लेकिन इस गेम के बाद वो भी उसे भूल गए, और वो लड़की भी उन्हें भूल गई। टीचर को गेम के बारे में इसलिए याद था क्योंकि उन्होंने डायरी में सब कुछ मेंशन किया था। आसुका ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि गेम जीतने पर भी वो और ताकाहिरो अंत में अलग हो जाएंगे। शाम को टेरेस में वो दोनों मिलते हैं, एंड ताकाहिरो इस बात से अनजान उसे किस कर कहते हैं, हम इस गेम के बाद सच में अपना रिलेशन स्टार्ट करेंगे। अब रात हो जाती है, और वो लोग वादा करते हैं एक दूसरे से कि वो मॉन्स्टर को खुद को खाने नहीं देंगे और जीत कर ही वापस आएंगे। इस बार वो हथियार लेकर खड़े थे, पर मॉन्स्टर आसानी से उन सबको हरा देते हैं। रिमी को शोतो की इसमें मौत हो जाती है, पर बाकी तीनों अब भी फाइट कर रहे थे, और किसी तरह सभी लोग जैसे तैसे उस मॉन्स्टर को ही मार देते हैं। उसके मरते ही उसकी बॉडी से सिर बाहर निकल जाता है, यानी कि वो सिर इतने वक्त से उस मॉन्स्टर के ही अंदर था। इसमें सब लोग मारे जाते हैं सिवाय ताकाहिरो और आसुका के। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जीत की खुशी के साथ वो लोग सिर रखने जा रहे थे चैपल की ओर, पर तभी वो मॉन्स्टर दोबारा उन पर हमला कर देता है। ताकाहिरो उसे रोकते हुए इसमें मारा जाता है, लेकिन फाइनली आसुका उस सिर को रखने में कामयाब हो जाती है, और मॉन्स्टर के साथ ये टाइम लूप भी खत्म हो जाता है। पर नई सुबह के साथ सभी लोग इस इंसिडेंट को भूल गए थे। क्लास में 6 बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है चैपल की साफ सफाई के लिए, और वो 6 बच्चे यही लोग निकलते हैं। रास्ते में आसुका की पॉकेट से एक चीज नीचे गिरती है। ये देख ताकाहिरो को अचानक सब कुछ याद आ जाता है, और वो उसे कहता है, आसुका ये तुम हो ना। ये ब्रेसलेट उनके बीच की बॉन्डिंग की एक निशानी थी, और तभी ये कहानी खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं वेल के अंदर वो लड़की मीको के नाम के एक पेपर था जिसमें उस इंसिडेंट का मेंशन था, लेकिन अब
मीको का नाम उस पेपर से अचानक गायब हो जाता है और नया नाम वहाँ लिखा है आसुका का। अब पूरी मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यहाँ के मन में सबसे बड़ा सवाल इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर उठ सकता है कि उसका क्या मतलब था। तो पहला मतलब तो ये कि इसका सीक्वल जरूर आएगा। एंड दूसरा, आसुका का नाम पेपर में आने को लेकर मेरी एक थ्योरी है। डायरेक्टर ने आसुका और मीको के बीच कई सारे पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं। लाइक दोनों की एक हैप्पी फैमिली होने के बावजूद एक लोनली लाइफ थी एंड उनकी जिंदगी में दोस्त बिल्कुल नहीं थे। और आसुका को भी बचपन में बीमारी थी बिल्कुल जैसे मीको को थी। तो या तो ऐसा हो सकता है आसुका ही मीको हो और वक्स है हर साल बच्चों के साथ ये टाइम लूप वाला गेम खेलती हो। और वैसे भी इस गेम के बाद बच्चे सब भूल जाएंगे। अब वो जानबूझकर ऐसे बच्चे चुनती है जिनकी लाइफ में भी बिल्कुल उसकी तरह अकेलापन हो। अब अगर इस कहानी को थ्योरी से हटकर भी देखा जाए तो ये तो जरूर है कि इस केमिस्ट्री आसुका से किसी न किसी वे में कनेक्टेड है। वो कैसे, ये जवाब हमें अगले पार्ट में मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू।